चंडीगढ़ विच श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल दी अगवाई हेठ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी कोठी दा घराओ करन जा रहे अकाली आगुआं नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए जाने वाले आगुआं विच पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, प्रेम सिंह चंदू माजरा तो इलावा बड़ी गिणती विच अकाली वर्कर शामिल सन। श्रोमणी अकाली दल वालों यह प्रदर्शन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी ते ड्रग मामले विच पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ते साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया नूं फसाउण दी कांग्रेस वल्लों रची जा रही साजिश खिलाफ कीता जा रहा सी। इस मौके बोलदिया पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल कांग्रेस तो डरन वाला नहीं। उन्हां आख्या कि चंडीगढ़ के प्रदर्शन तो बाद जिला पद्धर उत्ते जेल भरो प्रदर्शन भी किए जाएंगे। सुखबीर बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और डीजीपी इकबालप्रीत सिंह सहोता ने एक मीटिंग की जिस विच बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग मामले च केस दर्ज करन दी सलाह बनाई गई है। उन्होंने पुलिस अफसरां नूं चेतावनी दित्ती कि वह सरकार के दबाव च आ के गलत काम ना करन, नहीं तो उन्होंने अकाली सरकार आने उत्ते इस दे अंजाम भुगतने पैणगे। सुखबीर बादल ने सिद्धू उत्ते आरोप लगाया कि वह हर हालत में मजीठिया खिलाफ ड्रग केस दर्ज करवाना चाहते हैं, इस दे लई वह पंजाब सरकार उत्ते दबाव बनाने लई मर दी धमकी भी दित्ती है। उन्हां कहा कि इस तों यह साफ जाहर हुंदा है कि यह झूठा केस बनाया जा रहा है। ड्रग मामले नूं लैके एसटीएफ की रिपोर्ट हाईकोर्ट विच सीलबंद है, परंतु सिद्धू नूं किस तरह पता है कि इस रिपोर्ट विच मजीठिया दा नां है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी टीवी। प्लीज सब्सक्राइब प्रवासी टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।